बलरामपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। इंसानियत को शर्मसार करती ये तस्वीर। शव को राप्ती नदी में फेंकते दिखे परिजन। पीपी किट पहने हैं मृतक के परिजन। सिसई घाट पुल की बताई जा रही है घटना। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बलरामपुर से दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह पीपी किट पहनकर अपने परिजन को ये नदी में परवाह करने की कोशिश कर रहे, राप्ती नदी में फेंकते दिख रहे हैं परिजन। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिसई घाट पुल की ये घटना बताई जा रही है। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस जो ये खबर सामने आ रही है, जिस तरह से ये तस्वीरों में देखा जा सकता है, क्या है पूरा मामला? जी, बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है वो बलरामपुर के तुलसीपुर हाईवे पर जो स्थित है राप्ती नदी का पुल है, सिसई घाट के पास की ये पूरी घटना है। और ये शनिवार की घटना बताई जा रही है, दोपहर की घटना है, जिस वक्त तेज बारिश हो रही थी उस वक्त किसी जाते व्यक्ति ने, राहगीर ने, एक वीडियो जो है अपनी कार के अंदर से बनाया था, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ एक परिजन है जो अपनी अपने रिलेटिव की बॉडी को राप्ती नदी में प्रवाहित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से इस तरह के उत्तर प्रदेश में ये इकलौता मामला नहीं आया है, इससे पहले भी आप लोग जैसा कि सबको मालूम है कि कई घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे वो हमीरपुर में शव मिलने की घटना हो या चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी और जिले में गंगा में प्रवाहित होते हुए कई लाशें देखी गई थी। तो जो लाशों के साथ जो ये सारी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सरकार की छवि भी इसमें खराब हुई थी। जी, खास तौर पर इन तस्वीरों को देखकर ये पता चल रहा है कि ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये जो शव है उसे रखा गया है। और कहीं ना कहीं इससे ये बात भी उजागर हो जाती है कि शमशान घाटों पे जिस तरह से लकड़ियों की कालाबाजारी कह ले, और शव को ले जाने लाने के लिए जो एम्बुलेंस के द्वारा लगातार धन उगाही की जा रही है, उसकी भी जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं, जिसके चलते शायद ये लोग असमर्थ होंगे शमशान घाट पर जाकर शव का अंतिम संस्कार करने के लिए। शायद इस जैसे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शव को ये नदी में बहाने को मजबूर हो गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही साथ में लाई जा रही थी। और ये जो प्रेमनाथ मिश्रा जिसका ये शव है, जिसकी बॉडी को ये लोग फेंकते नजर आ रहे हैं, उनका 25 मई को जो है सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हीं के भतीजे हैं संजय कुमार, जिन्होंने उनको जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया था, उसके बाद 28 मई को इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। और फिर 29 मई की दोपहर को जो ये संजय जो उनके भतीजे हैं, जो मृतक के भतीजे हैं, वो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत डेड बॉडी को प्राप्त करते हैं और वो घर ले जाते समय उस बॉडी को एक राप्ती नदी के पुल पे, वो सिसई घाट पुल पे वो रुकते हैं और उसके बाद उस पुल नदी में उस शव को प्रवाहित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कालाबाजारी हुई है लकड़ियों की, और जो कहीं ना कहीं शवों को जलाने में जो 15,000 से 20,000 रुपए जो परिजनों से, मृतक के परिजनों से वसूले जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि किसी के पास पैसे हैं और किसी के पास पैसे नहीं है। तो ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं मध्यम वर्ग से भी नीचे जो आते हैं, जिनको जो ये अंतिम संस्कार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि आपकी उत्तर प्रदेश की कोरोना की दूसरी लहर में, जैसा कि आप लोगों ने सबने ये तस्वीरें देखी हैं, चाहे वो प्रयागराज का घाट हो, डलमऊ घाट हो, या फिर हमीरपुर में कहीं पे भी आपने देखे होगा शवों के साथ जो निर्दयता से कुत्ते उसको शवों को नोचते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं डेड बॉडीज के साथ जो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं जो हुई हैं, वो उससे उत्तर प्रदेश सरकार की जो योगी आदित्यनाथ सरकार की जो छवि है कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। और साथ में साथ जो यूपी सरकार में जो चल रहा है इस वक्त, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि शवों का जो अंतिम संस्कार है वो सही से नहीं हो पाया। विपक्ष भी इस पर आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है वो सरकार को घेरे हुआ है कि जिस तरीके से हिंदुओं में अंतिम संस्कार कराया जाता था उससे नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो छवि है बीजेपी की, राम जन्मभूमि और हिंदू छवि जो उनकी है, वो छवि कहीं ना कहीं आहत होती हुई दिखाई दे रही है, उस पर चोट पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी जिस चीज के लिए जानी गई है उससे विपरीत तस्वीरें सामने आई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
जी जिस तरह से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं, मृत्यु का आंकड़ा जो दर्शाया जा रहा है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो मन में एक चिंता पैदा कर देती है कि क्या समय आ गया है, लोग अपने का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं सरकार ये तमाम दावे कर ले कि अब नदियों में लाशें नहीं बह रही हैं, अब शमशान घाटों में इतनी लंबी कतारें नहीं लगी हुई है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें चिंता बढ़ा देती कि आज भी लोग बेबस हैं, मजबूर हैं और कहीं ना कहीं परेशान है, अपनों अपने परिजनों के शवों को नदी में बहाने के लिए मजबूर है। तो ये तस्वीर आप बलरामपुर से देख रहे हैं जहां पर एक कार चालक ने ये वीडियो बनाया है जो अब इस वक्त वायरल हो रहा है। पीपीई किट पहने परिजन अपनों के शवों को पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार ना करते हुए उसे याप्ती नदी में प्रवाह करने के लिए मजबूर है।